हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल होम साइंस। फ्रेंड्स, आज मैं आपको एक कलर का बहुत ही प्यारा सा पैटर्न बना के दिखाती हूँ। इस पैटर्न को आप किसी भी प्रोजेक्ट में बना सकते हैं, जेंट्स स्वेटर में भी बना सकते हैं, लेडीज स्वेटर में भी बना सकते हैं, बच्चों के स्वेटर में भी, कार्डियन में, कोटी में, किसी भी प्रोजेक्ट में बना सकते हैं। तो इस पैटर्न को बनाने के लिए हमें चाहिए 3 के मल्टीपल फंदे और प्लस 1, 3 के मल्टीपल फंदे चाहिए, एक फंदा और उसमें जोड़ देंगे तो हमारा जो पैटर्न बिल्कुल ठीक से बन के आएगा। 4 सलाई का पैटर्न है, तो आप अपना पहले बॉर्डर बना लें, उसके बाद में जो पहली सलाई है तो देखिए उसको हमें सीधा बनाना है। बॉर्डर बनाने के बाद में पहली सलाई सीधी, सीधी सलाई बना लेते हैं। सीधी सलाई बनाने के बाद में जो उल्टी सलाई है वहाँ से हमारा जो पैटर्न है बनना शुरू होगा। तो पहली सलाई सीधी सलाई, अब देखिए दूसरी सलाई है ये उल्टी सलाई, इसको मैं इस तरह से बनाना। देखिए पहला साइड वाला जो फंदा, इसको हमने उतार लिया है, धागे को पीछे की साइड किया यानी कि सीधी तरफ, और देखिए इस तरह से धागे को पीछे साइड और इस तरह से फंदा लिया, और देखिए इस तरह से हमें उल्टी सलाई बनानी है। देखिए ये है, और इस तरह से दूसरी सलाई को इसी तरह से कंप्लीट करना है। देखिए इस तरह से धागे को किया और सलाई को इस तरह से डाला, और ये देखिए धागे को पीछे साइड और सलाई को इस तरह से डाल के दूसरी सलाई जो कि उल्टी सलाई है वो हमें इसी तरह से बना लेनी है। एक साइड का फंदा। अब देखिए तीसरी सलाई पे आते हैं, तो इसको हमें इस तरह से बनाना है। इस साइड का फंदा उतार लिया हमने, हमने यहाँ पे साइड पे एक फंदा रखा, आप चाहें तो 2 भी फंदे रख सकती हैं, लेकिन फंदे में 3 के मल्टीपल प्लस बन करके ही लेने होंगे। देखिए साइड का हमने एक फंदा ले लिया, इस तरह से बिना बुने उतार लिया। अब देखिए यहाँ पर ये जो एक फंदा, इस तरह से इनको खोल लेंगे फंदों को, और इन तीनों फंदों को इस सलाई पे लिया। अब देखिए इस सलाई को हमें यहाँ पर, ये देखिए तीसरा वाला जो फंदा है ये देखिए यहाँ से डालना है यहाँ पर, और इस तरह से हम यहाँ पर एक फंदा बनाएंगे, धागे को उनको अपनी साइड पे करेंगे, और देखिए इस तरह से। अब ये 2 फंदे बचे हैं तो 2 को हम एक साथ ही ले लेते हैं, तो अब हमारे यहाँ पर 3 फंदे हो गए। फिर से हमने 3 फंदे खोल लिए और इस सिलाई पे फंदों किया। अब देखिए ये जो लास्ट वाला फंदा है, देखिए यहाँ से डाला सिलाई को, और यहाँ पर हमने एक फंदा बनाया, और देखिए धागे को अपनी साइड किया, और देखिए दोनों फंदों को एक साथ ही ले लिया। फिर से देखिए 3 फंदों खोल लेंगे, और देखिए फिर से 3 फंदों को खोलेंगे, और इस तरह से यहाँ पर एक फंदा बनाया, धागे को अपनी साइड किया, और देखिए एक साथ ही 2 फंदे ले लिए। फिर से 3 फंदों को खोलेंगे,
धागे को अपनी साइड किया और देखिए दोनों फंदों को एक साथ लेके यहाँ पर हमने ये हमारे तीन के तीन ही फंदे हो गए यहाँ पे। फिर से तीन फंदों को खोलेंगे, तीसरी सिलाई है तो इसको हमें इसी तरह से कंप्लीट करना है। अब देखिए फ्रेंड्स, तीसरी सिलाई कंप्लीट होने के बाद में अब हम आते हैं चौथी सिलाई पे। देखिए चौथी सिलाई को हम इसी तरह से कंप्लीट कर लेंगे। अब देखिए फ्रेंड्स, हमारी यहाँ पे ये चारों सिलाइयाँ कंप्लीट हो गई हैं। अब देखिए इसके बाद में जो हमने यहाँ पे पहली सिलाई सीधी सिलाई बनाई थी, इसी तरह से हमें ये पहली सिलाई बनानी होगी। यहाँ से फिर से हमारी जो पैटर्न है इन्हीं चार सिलाइयों पे रिपीट होगा। देखिए जिस तरह से हमने ये पहली सिलाई बनाई थी, इस तरह से पहली पाँचवीं सिलाई बनाएंगे और छठी सिलाई को दूसरी सिलाई की तरह ही बनाएंगे। तो हमारा ये जो पैटर्न है टोटल चार सिलाई का है, इन्हीं चार सिलाई को रिपीट करना है। आपका पैटर्न है बहुत ही प्यारा सा बन के आएगा। देखिए फ्रेंड्स, चार सिलाई को रिपीट करने के बाद में आपका जो ये पैटर्न है वो इस तरह से बन के आएगा। देखिए बहुत ही प्यारा सा दिख रहा है ये। फ्रेंड्स, मेरा अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, ताकि मैं जो भी नया वीडियो डालूँ उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे। थैंक यू।